नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शहर में 19,000 ऑटो चालकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कराने का आदेश दिया है। अभियान के पहले चरण में 300 से अधिक ऑटो चालकों पर अपराध दर्ज किए गए हैं। बार बार यातायात नियम तोड़ने वाले ऑटो चालकों समेत अन्य चालकों का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसी के तहत शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी दी है कि इन सभी के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑटो चालकों के रिकॉर्ड की जांच करने से पहले शहर में ऑटो चालक संघों के साथ चर्चा भी की थी। नागपुर शहर में लाइसेंस प्राप्त ऑटो रिक्शा की संख्या 19,000 है, तो वास्तव में अनाधिकृत ऑटो चालक की संख्या क्या है, इस संबंध में आंकड़े पुलिस विभाग समेत क्षेत्रीय परिवहन विभाग के पास भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड खंगालते हुए कई आपराधिक मामलों में ऑटो का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कई मामलों में ऑटो चालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। नागपुर शहर में अपराध को कम करने के लिए ऑटो चालकों को अनुशासित करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने 19,000 पंजीकृत ऑटो चालकों के रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है, जिसमें 300 से ज्यादा ऑटो चालक दोषी पाए गए हैं। इसके अलावा लाइसेंस शुदा ऑटो मालिक अपने नाम से पंजीकृत ऑटो किसी और को किराए पर देकर अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं। जिन ऑटो मालिकों का रिकॉर्ड ऑटो मालिक के पास नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ऑटो चालकों को लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। उनके आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगाने के बाद 19,000 ऑटो चालकों में से 300 के परमिट रद्द करने का फैसला किया है। उसके बाद 3 बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों को परमिट भी रद्द कर दिए जाएंगे। हो, ऑटो रिक्शाज ला डिसिप्लिन करने आणि ते मोटर वाहन कायदा आणि इतर कायद्याची त्यांच्याकडून अंमलबजावणी होईल या दृष्टिकोनातून उपाययोजना सुरू करण्यात आलेली आहे। सर्व स्टेक होल्डर्सची विस्तृत बैठक पण या विषयावर घेण्यात आली होती। यामध्ये प्रमुखतः जे 19,000 ऑटो रिक्षा शहरात आहेत त्यांचे सगळ्यांचे यादी तपासण्याची कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे। प्रथम तपासणी प्राथमिक तपासणीमध्ये अंदाजन 300 ऑटो रिक्षा असे आहे ज्यांच्यावर क्रिमिनल रिकॉर्ड जुनी आहे, त्यांचे सर्वांचे ऑटो परमिट रद्द करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येत आहे। तसेच 2200 ऑटो रिक्षा असे आहे ज्यांचे विरुद्ध 3 पेक्षा जास्ती मोटर वाहन कायद्याचे उल्लंघन समोर आलेली आहे, त्यांचे पण परमिट कॅन्सल करायची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे। प्रस्ताव वाहतूक शाखेतून RTO गेलेली आहे आणि RTO पुढील आवश्यक कारवाई करण्यात येत आहे। ऑटो रिक्षासाठी त्यांना शिस्तीचे पालन करावं लागेल, मोटर वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करावा लागेल, त्यांना युनिफॉर्म बॅचेस जी काही तरतुदी त्यांचे परमिट कंडिशन्समध्ये आहे त्यांना पालन करावं लागेल, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई होईल। ऑटो चालकों के खिलाफ कई शिकायतें भी इस दौरान सामने आई। नागपुर शहर के ड्राइवर बदतमीज हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं है, ऐसी शिकायतें इस वक्त सामने आई। नागपुर पुलिस को ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों के साथ अनुचित विवाद और यातायात नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने की कई शिकायतें मिली है। इस संबंध में भी कार्रवाई किए जाने की जानकारी इस दौरान दी गई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।